अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आबिद है और आप आबिद ब्लॉग ऑफिशियल चैनल यूट्यूब। आज हम आपको दिखाएंगे कि बोर्ड वगैरह कैसे लगते हैं, वो जो फ्रिज वगैरह को करंट देते हैं, स्टेबलाइजर वगैरह और बोर्ड वगैरह हम लगाएंगे। ये है नाजरीन सारे बोर्ड वगैरह और इनको हम ना आज इस जगह पर इंस्टॉल करेंगे। वहाँ से कनेक्शन लेंगे, वो जो मेन फ्यूज लगे हुए हैं वहाँ से कनेक्शन लेके और यहाँ पर ये सारा जो है ना इस दीवार के ऊपर इन सब को हम लगा देंगे। लगाते हुए भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, आप देखें और बताना भी सही लगे हैं या कोई है गुजारिश इनके अंदर। ये है नाजरीन हमारा प्लेट फ्रीजर जो आपको हमने पहले भी वीडियो में दिखाया। इंशाल्लाह आपको सब कुछ दिखाएंगे। ये है जी नाजरीन, इसकी जगह यहाँ पे अभी हम बना रहे हैं, पहले था उस जगह। तो इसके लिए फिर ऐसे ही हम लगा रहे हैं। Oh, my God.
कुछ लग रहा है इसमें ये स्टेप लेजर के लिए ये जो काली काली जगह है ये पहले भी नहीं लगा लग रहा है अभी इसलिए नहीं लगा रहा
अभी बिजली के इंतजार है, जैसे बिजली आएगी इधर आ जाएगी। ये बोर्ड जो हम लगा रहे हैं ये भी बहुत काम आने वाली चीज़ है। यहाँ पर इतने ज़्यादा बोर्ड लग रहे हैं, आप सोच रहे हैं अभी क्या होगा, लेकिन जितने भी बोर्ड होना यहाँ पर वो कम है, क्योंकि सोच यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगते हैं, बैटरी भी चार्ज करनी पड़ती है। छोटी छोटी बैटरियाँ होती हैं ना साइकिलों के अंदर लगती हैं, आइसक्रीम वाली साइकिलें जो होती हैं उनके अंदर लगती हैं, वो चार्जिंग के लिए यहाँ पर लगानी पड़ती है, तो ये इसलिए बोर्ड लगाऊंगा। इंशाल्लाह और भी बोर्ड लगेंगे अभी, ये तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी हम स्टेप लेवल ये जो हैं ये भी इधर लगेंगे स्टेप, वो जनरेटर के लिए यहाँ पर ये लगाएंगे, हम इंस्टॉल करेंगे। जो जनरेटर की तार आ रही है ये है जनरेटर वाली, इसके साथ हम दोनों को अटैच। इस स्टेबलाइजर को हटा देंगे और इसको और अंदर वाले जो फ्रिज चलेंगे वो हम इस पर चलाएंगे। पहले तो दो होते थे ना, अब एक पर ही हम चलाएंगे। इस पर हम शो लगाएंगे।